करने की जरूरत है कि नहीं? विश्वास की जरूरत है उसमें। लेकिन समस्या इस बात की है कि तुम विश्वास भगवान पे नहीं करते हो, तुम विश्वास जो है परम पिता पे नहीं करते हो, तुम विश्वास अपने पिता पे भी नहीं करते हो, तुम विश्वास करते हो अपने बेटा पे। बोलो करते हो कि नहीं? क्यों? हे भगवान एक बेटा दे दो, बेटी कोई नहीं मांगता। अभी तक मंदिरों में हमने मांगते हुए यही सुना है एक बेटा दे दो, बेटी किसी ने नहीं कहा एक बेटी दे दो। क्यों बेटी क्यों नहीं मांगते हो, बेटा क्यों मांगते हो? भाव ये है कि बेटा हमारी सेवा भी करेगा, बेटा हमें भोजन कराएगा, बेटा हमें सुलाएगा, बेटा बाजार से कपड़ा खरीद के लाएगा, बेटा हमारी संपूर्ण सेवा करेगा, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो बेटा मेरी अंतिम क्रिया करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ बोलो मांगते हो कि नहीं मांगते हो बेटा? लेकिन 80% लोग बेटों से संतुष्ट नहीं है। 20% की बात हम नहीं कह रहे, वैसे तो हम 90 कहते सीधा, लेकिन हो सकता है कि भाई अब ग्राफ बढ़ गया हो, शिक्षा की क्रांति में थोड़ा समझदारी ज्यादा आ गई। क्यों भाई? बेटों में पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे हो तुम भी प्रयास कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, हो सकता है 10% ग्राफ बढ़ गया हो, तो 20% की बात हम नहीं कर रहे। 80% अगर माँ बाप असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, तो बेटों से हैं, बेटियों से नहीं है। बोलो हैं बेटों से कि नहीं? इतने परेशान हैं कि भोजन मिलता तो है लेकिन पचता नहीं है। क्यों भाई? हम ये नहीं कह रहे भूखों मार रहे हैं, अरे भूखों क्या, तुम्हारे यहां तो भरा पड़ा है अन्न कई कुंटल, बोलो। लेकिन सखी बात तो यह है कि भोजन मिलता है लेकिन पचता नहीं है। क्यों? रात दिन टेंशन में रहते हो, मेरा बेटा ऐसा निकल गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। परेशान बेटों से हो, देश परेशान नेता से हो, बाप परेशान बेटा से। क्यों भाई? है कि नहीं? बाप किससे परेशान है? बेटा से। ये देश कुछ कुछ नेता ऐसे भी हैं, देश रोता है जब विधानसभा और लोकसभा में जूता चप्पल चलाने लगते हैं। क्यों भाई? लोकसभा विधानसभा में जूता चप्पल चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ये मूर्खों का काम है। जब सदन की कार्रवाई होती है पूरी दुनिया देखती है उसे, देखती है कि नहीं? लेकिन जब जूता उठा करके वहीं चलाना शुरू कर देते हैं तब याद रखना केवल जनता ही नहीं रोती है, पूरा देश रोता है, भारत माता रोती है कि ऐसे नालायक बेटे हो गए हैं, इन्हें संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जो संसद की मर्यादा नहीं जानते हैं उनको संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो कुल खानदान बेटा जो कुल खानदान की मर्यादा का पालन नहीं करता है उसे घर में और कुल में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं, उस घर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। जो खानदान को कलंकित करने लग जाए, जो अपने कुल खानदान के साथ साथ अपने घर अपने गांव को परेशानियों में डालने लग जाएं, ईमानदारी से बताओ ऐसे लोगों का ना होना ही ज्यादा अच्छा है, ना होना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन देखिए अयोध्या वासियों का प्रेम कितना है। अयोध्या वासी कहते हैं बड़भागी बन अबध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी ये वन है जिस वन को प्रभु आपने स्वीकार किया है। अरे वृक्षो तुम्हारा जीवन धन्य है, बड़ी ऊर्जा थी तुमने कि महलों से निकाल करके वृक्ष के नीचे बिठा दिया राम को। बोलो महलों से निकाल के वृक्षो तुम्हें बड़ी ऊर्जा थी कि महलों से निकाल कर तुमने आज राम को अपने पास बुला लिया है। अरे नदियों तुम में बड़ी ताकत थी
कि आज सरजू का तट छोड़ करके तमसा से कह रहे हैं अयोध्यावासी, ऐ तमसा महारानी तुम में बड़ी ताकत है कि सरजू महारानी को छोड़कर तुमने अपने तट पर राम को बुला लिया है। तुम में बड़ी ताकत है, तुम में बड़ी शक्ति है वृक्षों, तुम में बड़ी शक्ति है कि आज महलों की छाया में नहीं वृक्षों की छाया में राम सो रहे हैं या राम बैठे हुए हैं या राम अपना जीवन 14 साल गुजारेंगे। बड़भागी है ये वन, अभागी है अयोध्या। सोने चांदी के बर्तनों को छोड़कर, सोने चांदी के पात्रों को छोड़कर, सोने की सैया का त्याग कर आज प्रकृति जन संपूर्ण व्यवस्था को आज स्वीकार किया है राम ने, इसलिए धन है प्रकृति, बड़ी ताकत है। मैं कहता हूं कि सुविधा भले ही कितनी ही क्यों ना बना लो, लेकिन राम सुविधा में नहीं रहते हैं, जहां सिद्धांत होता है राम तो वहीं निवास करते हैं, सुविधाओं का तो राम त्याग कर देते हैं। ओ भगवती सीता।